सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि धरती का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो पोल पहले से ही हैं, यानी कि दो ध्रुव हमें मतलब मेनली हर कोई जानता है इनके बारे में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, पूरी पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, ठीक है। तो तीसरा ध्रुव कौन सा है, किसकी हम बात कर रहे हैं? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच में जो एक रेंज आती है जिसका नाम है काराकोरम रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है ये बेसिकली इन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, एक तरफ से बाउंड्री आप इसे मान सकते हो, ठीक है। पूरी जो इसकी डिस्टेंस या जो पूरा इसका एरिया अगर हम आपको बताएं तो ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 70 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रेंज है और ये पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी रेंज को, यानी कि जो ये काराकोरम रेंज है, इसी रेंज को धरती का तीसरा ध्रुव माना जाता है, जो कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बाद इसको जो है तीसरा ध्रुव यहाँ पर माना जाता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।